आप जो कह रहे थे कि जन्नत हम खुदा को देखने के लिए जाएंगे, तो वो बहतर हो रहे हैं क्या? उन्हें क्या राखी बांधने वाले? अगर मर्द औरत बराबर है तो अल्लाह ने मर्द को मर्द, औरत को औरत क्यों बना दिया? आजकल के उलमा तो हर तरह की बातों में पकड़े जाते हैं, चाहे वो बकरी हो, बच्चे हो, चाहे बिल्ली कुत्ता, किस किस के साथ। जवाब मौलवियों को दीजिए गाली ना देना आप आप। लोगों का पेशा मैंने है। कौन सी गाली दी? मौलवी ये कुत्ते गाली बिल्ली नहीं के साथ है। पकड़ा जा रहा है, मैंने नहीं देखा ये तो नहीं क्या देखा, मैं बात, कोई डरती कौन नहीं से हूँ। जमाने? या आप तो देखते नहीं होंगे सुनिए, मौलाना साहब, ऐसी वीडियोस आप सुनिए, देखते होंगे, मैंने नहीं देखी। मोहतरमा, अभी उन्होंने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। इंडिया में एक चीज होती है, इंडिया में तो नहीं, हिंदू मजहब में एक चीज होती है, सूर्य नमस्कार। ये जो एक फासिस्ट सोच आई है हिंदुत्व के नजरिए के तहत, खास लोग हैं, खास ग्रुप हैं। मौलाना साहब देखें, अट्रैक्शन से मतलब मर्दों को ये अट्रैक्शन ही तो दी गई है कि बदतर हो रहे मिलेंगी। आपने भी अभी कहा, बाकी हर चीज की गैरत की बात हो, शर्म की बात हो, हर चीज औरत पे आके क्यों खत्म हो जाती है? ये अगर मर्द जो है यहाँ पे 4 शादियां कर रहा है तो औरत को क्यों ये हक नहीं दिया गया? अगर आप कहते हैं कि जी बच्चों का पता नहीं लगेगा तो डीएनए टेस्ट किस लिए है? आप अगर नए जमाने में जा रहे हैं तो नए जमाने को एक्सेप्ट भी करें। मैं ये नहीं कह रही कि कोई औरत 4 शादियां करना चाहती है या कोई 72 मर्द चाहती है, लेकिन आप लोग अपने लिए तो हर चीज बता रहे होते हैं कि सब कुछ जायज है क्योंकि आप मर्द हैं। आपको 72 हूरे भी जायज हैं, आपको 4 शादियां भी जायज है, लेकिन औरत के ऊपर सारी शर्म और सारी गैरत औरत पे आके क्यों खत्म हो जाती है? बड़ी अजीब बात, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आप इस्लाम को इस्लाम के नजरिए से देखिए, इस्लाम को अपने जहन के नजरिए से मत देखिए। अगर आप इस्लाम को अपने जहन के नजरिए से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सवाल करने को मिल जाएंगी, और जो आप कर भी रही हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप चाहेंगे कि दुनिया के अंदर आपके 4 शोहर हो? बताइए मुझे, आप चाहेंगे? नहीं, मैं क्या चाहूंगी वो बात नहीं है। बात ये है कि ये हक नहीं नहीं आपको नहीं नहीं दिया नहीं नहीं गया है, गलत आप है ये, बताइए, मर्दों अगर को भी नहीं आपको, देना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। ये तो हसद का आखिरी दर्जा हो गया कि साहब अगर मेरे पास नहीं तो फला के पास भी नहीं होनी चाहिए, उसके नहीं, ये पास क्या क्यों बात है? है? ये ये तो कोई सिर्फ बात नहीं राइट हुई। की बात है मौलाना साहब, ये नहीं राइट की नहीं बात राइट, है। देखिए मैं भैया, समझती हूँ रिफॉर्म्स होनी चाहिए इस्लाम में, जो नहीं नहीं चीज नहीं गलत नहीं है वो गलत है। ये आप जो अब कह रहे थे सुनिए, कि अब सुनिए, आप जो कह रहे थे कि जन्नत हम खुदा को देखने के लिए जाएंगे, तो वो बदतर हो रहे हैं क्या? उन्हें क्या राखी बांधने वाले हैं? राखी तो नहीं बांधेंगे ना उनको। देखिए, आप लोग कहते हैं, बड़े धड़ाले से कहते हैं, बड़े तमतराक में आके कहते हैं आप लोग कि साहब मर्द औरत बराबर है। कैसे कैसे बराबर है भाई मर्द औरत? अगर मर्द औरत बराबर है तो अल्लाह ने मर्द को मर्द, औरत को औरत क्यों बना दिया? जिस आदमी ने ये नारा बुलंद किया है कि साहब औरत आजाद है, औरत आदमी के बराबर काम कर सकती है, औरत आदमी के बराबर रह सकती है, शाना बशाना चल सकती है, मैं समझता हूं वो जाहिल लोग औरतों को घरों से निकालने का काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और वो औरतों को अपने हवस का लुकमा बना रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है और आप लोगों की नजर में हो रहा है, और इसी को आप लोग आजादी समझ रही हैं। आज के जमाने की अगर हम बात करें, आजकल के उलमा तो हर तरह की बातों में पकड़े जाते हैं, चाहे वो बकरी हो, बच्चे हो, चाहे बिल्ली कुत्ता, किस किस के साथ। वीडियोस नहीं आई है मुल्लाओं की और उनकी जो मदरसों में गलत काम करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? सारा मलबा सिर्फ औरतों के लिए है कि औरतें पर्दे में रहें, खुद चाहे जो मर्जी करते फिरे, ये कौन सा इस्लाम है? माफ कीजिएगा, आपने मौलवियों को फरिश्ता समझ लिया। मौलवी भी आप जैसे इंसान ही तो हैं, और ये कह देना टीवी जैसे पर आकर, टीवी पर आकर आपने कह दिया कि कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ और उसके साथ, ये फिर मैं आपसे कहूंगा जैसे मैंने आपको एक मैसेज किया था कि आप दीन का और मुसलमान का मजाक उड़ाना चाहती हैं और आप उड़ा रही हैं। मैं माफ मजाक कीजिएगा, नहीं उड़ा मेरी रही बात हूँ शायद ये मौलाना आपको, साहब, ये शायद ये सच्ची बात आपको, बातें हैं नहीं जो नहीं मैं नहीं आपको बता रही हूँ, ये रिकॉर्ड पे मौजूद औरतें है, नहीं पकड़ी वीडियोस जाती, मौजूद हैं। औरतें कुत्ते नहीं, बिल्लियों के नहीं साथ नहीं पकड़ी जाती? मैंने तो नहीं देखा, आपने नहीं देखा? मैंने नहीं कोई देखा। वीडियो आप नहीं इस देखा किस्म की आपने? वीडियोस देखते हैं? मैंने नहीं देखा, आप, तो नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूं मैं इस किस्म की वीडियो देखता हूं। आप कहां पहुंच गई? फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं? आप क्यों जब पाकदामन से साबित करना दुनिया चाहते हैं में, अपने नहीं आप को, मेरी बात, और मैं हमें नहीं कह रही क्यों किसी क्यों को, गाली देना चाहते हैं? मैं किसी को गाली नहीं दे रही। नहीं, मेरी मौलवियों बात को सुनिए, आपने पहले मेरी बात सेगमेंट में भी गालियां सुनिए। दी मौलवियों को, नहीं, मैंने कोई गालियां नहीं दी। आपने आप मेरी पहले बात सुनिए, सेगमेंट में भी आप मेरी गालियां दी बात मौलवियों, सुनिए, और खास मेरी तौर बात से नाम सुनिए। लेकर आपने मेरी मौलाना तारिफ मैं जमील को कहा, फला को कहा। आप माफ जो कीजिएगा, बात है ऐसी मैं वो बातें बात टीवी शो में करूंगी मत, ना। टीआरपी के लिए मत कीजिए, ये सिर्फ टीआरपी टीआरपी के के लिए लिए मैं आप कुछ करते नहीं हैं। कर रही,
आप जवाब मौलवियों को दीजिए गाली ना, देना आप आप लोगों का पेशा मैंने है, कौन सी गाली दी है, मैंने कोई ये गाली गाली नहीं दी दे रहे हैं ना है, आप कि मौलवी ये कुत्ते गाली बिल्ली के नहीं साथ है। पकड़ा जा रहा है, हाँ ये तो गाली पकड़ा नहीं जा है। रहा है ना, ये गाली कौन नहीं नहीं है, पकड़, इसे औरतें नहीं चाहिए। पकड़ी जा रही है, औरतें मैंने नहीं तो नहीं पकड़ी जा देखा रही कोई है। औरत को, मैंने किसी औरत को नहीं देखा कुत्ते बिल्ली के साथ पकड़ी गई हो। आप अजीब बात कर आपने रहे नहीं हैं देखा किसी को, आप, मैंने नहीं देखा आपने नहीं देखा आपके किसी को, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं आप देखा, कसम खाकर कह सकती हैं कि आपने नहीं देखा। मैं बिल्कुल कसम खा के कह सकती हूँ कि आप मैंने अपने नहीं बच्चों की देखा, कसम खाकर कह सकती हैं, मेरे बच्चे अपने नहीं बच्चों की कसम है, खाकर कह सकती हैं, मेरे बच्चे नहीं शोहर है की कि मैं कसम खा कसमें सकती खाऊं, हैं, मैं शोहर की सबकी कसम कसम खा खा सकती के, हैं, मैं हाँ बिल्कुल माँ कसम खा बाप के की कह कसम नहीं खा सकती सकती, हैं कि मेरे मैंने माँ बाप भी औरत को नहीं कुत्ते गए, बिल्ली के साथ नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, आप अजीब अगर बात कर मुसलमान रहे हैं हो, अल्लाह की कसम खा लीजिए। बिल्कुल जी अल्लाह की कसम भी खा सकती हूँ, मैंने नहीं देखा ये तो नहीं क्या देखा, मैं कोई बात, डरती कौन नहीं से हूँ, जमाने, या आप तो देखते नहीं होंगे सुनिए मौलाना साहब ऐसी वीडियोस आप सुनिए देखते होंगे, मैंने नहीं देखी, मोहतरमा मैंने तो वो बता रही मोहतरमा, हूँ तो मैंने सोशल नहीं, मीडिया पर आई हुई है, लेकिन फिर खैर आप आप मुझे इल्जाम आगे लगा रही बढ़ने हैं, दीजिए, आप फिर तो आप इल्जाम आप लगा रही इल्जाम हैं, लगा रहे, आप फिर जिद आप कर मेरे रहे ऊपर हो मुझे, इल्जाम है कि आप एक ऐसी भी तो वीडियो मैंने देखती हैं, नहीं वैसी वीडियो, देखी, नहीं नहीं माफ नहीं कीजिएगा, नहीं, नहीं गलत, नहीं नहीं आप नहीं मेरी बात बिलबिलाइए मत, सुनिए, आप बिलबिलाइए नहीं मत, नहीं मैं बिलबिला नहीं रही सच हूँ, को आप सुनने ना का, सच को बिलबिलाइए, सुनने का मादा, नहीं मैं सच को सच सुनने का सुन मादा रही भी हूँ, रखिए। आप भी तो सुनिए ना, अभी उन्होंने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। इंडिया में एक चीज होती है, इंडिया में तो नहीं, हिंदू मजहब में एक चीज होती है, सूर्य नमस्कार। यानी ये सुबह जब सूरज निकलता है तो उसको नमस्कार करते हैं, नमस्कार उसको वेलकम करते हैं, खास अंदाज में उसकी पूजा करते हैं, तो इसको सूर्य नमस्कार कहते हैं। और ये एक त्यौहार होता है जो हर साल, कई लोग तो रोजाना करते हैं सूर्य नमस्कार, इनके मजहब के अंदर ये हिस्सा है, क्योंकि जो हिंदू मजहब है उसमें पूजा पाठ है हर उस चीज़ की जो चीज़ ताकतवर है। मिसाल के तौर पे इनके जितने भी भगवान हैं उनके बारे में बहुत पुरानी कहावतें, बहुत पुरानी कहानियां हैं, और बहुत सारी कथा है जो लिखी हुई है इनकी किताबों के अंदर, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह सूरज देवता भी है उनका, और सूरज देवता सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, ये और बहुत पुराने यूनान में भी सूरज की पूजा होती थी, जो स्पार्टन्स थे वो भी, और इसके अलावा जो दीगर लोग थे वो सूरज की पूजा करते थे, बहुत पुरानी कहानियों के अंदर उनकी सूरज देवता का तस्करा मिलता है। तो सूरज की जो पूजा है वो ये इंडिया में की जाती है, जैसे वो और बहुत सारी चीज़ों, यानी उनको लगा कि बैल जो गाय है, गाय गाय पे बड़ा इनसार था बड़े लंबे अरसे तक, गाय एक ऐसी चीज़ थी जिससे वो दूध भी हासिल करते थे, हल भी इससे चलाते थे, तो उनके बेशतर काम क्योंकि गाय करती थी, तो उन्होंने गौ माता तो उसको भी एक उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। तो इस तरह उनके मुख्तलिफ भगवान हैं, जिस चीज़ से जिस दौर में वो मुतासर हुए उन्होंने वहाँ पे एक भगवान बना लिया। अब सूरज देवता की पूजा ख़ास तौर पे वो 14 जनवरी को करते हैं, इस त्यौहार को कहते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का जो त्यौहार है उसके मौके पर सूर्य नमस्कार से मुतालिक मरकजी हुकूमत जो है इंडिया की, वफाकी हुकूमत यानी मोदी की सरकार, उसने अहकाम जारी कर दिए हैं, और उन अहकाम की वजह से एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर के इलाकों में। कई सियासी जमातों ने और मुल्क के बाद जो सरकर्दा बड़ी शख्सियात हैं उन्होंने इस पर शदीद नुक्ताचीनी की है और उसे फिरका परस्ती का एक इकदाम करार दिया है। अब ये नया हुक्म क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया है? इंतज़ामिया ने पहली बार किया ये है कि मोदी हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल इंतज़ामिया ने किया है, और पहली बार मुस्लिम अक्सरियती खित्ता कश्मीर में इस हिंदू रवायत पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म जारी कर दिया। जबकि हिंदू मजहब के अंदर भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इस तरह तो नहीं है, अगर किसी को वो मज़हब पसंद है तो वो उसके अंदर रह सकता है, किसी को नहीं पसंद तो वो नहीं रह सकता। लेकिन ये जो एक फासिस्ट सोच आई है हिंदुत्व के नज़रिए के तहत, ख़ास लोग हैं, ख़ास ग्रुप हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को लोग टैग करते हैं, उसको टारगेट करते हैं इस वजह से, तो मेरे ख्याल में मुकम्मल मज़हबी आज़ादी होनी चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी है, ईसाइयों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी है, मुसलमानों को, वो तो वैसे ही यहाँ पर अक्सरियत है, तो इंडिया में ऐसा नहीं है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।